हेलो, वेलकम बैक गाइस आवर यूट्यूब चैनल जीबी गेमिंग में। और ये दोनों पुलिस वाले स्मोक के घर से क्यों निकले कुछ पता नहीं। ये उसने तो पहले इंटर में उसको राय दिया कार्ल को, अब क्या करते हैं वो स्मोक बार आया। स्मोक क्या कर रहे हैं यार, वो उस पुलिस वाले को गाड़ी दे रहा है। बट टेल माई हनी कार्ल्स हनी मुंबई कार्ल, ये कार्स के बारे में कुछ कहने आए थे लेकिन सीजे ने कुछ नहीं बताया कार्स के बारे में। तो ये सीजे ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो कार्स अपने कज़िन के बारे में कुछ स्मोक अपने कज़िन के बारे में कुछ बता रहा था। तो चलिए देखते हैं, स्मोक हमको कहीं जाने को कह रहा है तो वहाँ उसके साथ जाते हैं, क्या होता है वहाँ जाके वहाँ पता करते हैं। तो आज वो अपने कजिन से मिलने जा रहा है, तो क्या होता है देखते हैं, वहाँ जाकर ही हमको पता चलेगा। यहाँ से राइट फील्ड जाना है, लेफ्ट तो चलिए हम हमारे वे पे अच्छी तरह से जा रहे हैं। तो फिर वहाँ सब कुछ बातचीत होगी यार, पुलिस वाले बीच में ही गाड़ी रख रहे हो यार, तुमने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा थोड़ी है। लॉस सैंटोस वाले मैंने आपको पहले कहा था बहुत तेज कार नहीं चला, तो जब चलाते हैं तो हमारी कार को ठोकते हैं, और ये कुछ कभी कभी तो आपस में एक्सीडेंट करके बैठ जाते हैं गाइस, जैसा आपने पिछले में देखा था। सॉरी मैडम, आप रास्ते पे मत चलिए, वैसे गलती हमारी थी, तो चलिए हम हमारे निशान पर चले आए हैं। तो हम आ गए हैं गाइस, कार धीरे धीरे अब अपनी कार आगे बढ़ा रहा है। तो कजिन में ध्यान, तो स्मोक का कजिन यहीं कहीं खड़ा है, ऊपर से मैसेज आ गया, स्मोक का कजिन यहीं कहीं खड़ा है, वो कुछ बात करेंगे स्मोक के कजिन के बारे में, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें को स्मोक की ओ, ये स्मोक का कजिन ही लगता है गाइस यार, वो तो बहुत चोर में लगता है स्मोक का कजिन का गाइस, वो इसको गालियाँ भी दे रहा है यार, उसका कजिन तो बहुत ख़तरनाक आदमी लगता है। और ये बोलास गैंग का आदमी भी है, तो बोलास गैंग और कार्ल्स की दुश्मनी आपस में, तो क्या देखते हैं। ओ गाइस नो, मुझे स्मोक के इरादे अच्छे नहीं लग रहे, और ये यार उसने उसको मार दिया, उसके सर पे मार दिया और वो भाग रहा है, वो दूसरा आदमी भाग गया गाइस। तो इसको ये कार्ल्स का कज़िन, सॉरी स्मोक का कज़िन लगता है, तो स्मोक और कार्ल्स उसके पीछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे क्या होता, स्मोक थक गया लेकिन चीज़ें उसके पीछे जा रहा है गाइस। तो ये तो भागे जा रहा है, देखिए कितने तेज़ी से कूद रहा है, दीवाले भी इसको कुछ आ रहे नहीं आ रहे गाइस। तो सीजे भी दौड़ लगा लिया गैंग मेंबर्स, तो हमको उसको चेज करना है गाइस, जो आदमी भाग रहा है उसको, वो बोलास गैंग का आदमी, और बोलास गैंग से हमारी पुरानी दुश्मनी है गाइस, क्योंकि कार्ल्स की मदर का मर्डर उसी गैंग वालों ने किया है। तो कार्ल्स मतलब सीजे तो उस गैंग से पूरा आड़े ही चलेगा, वो उसका पूरा दुश्मनी है गाइस, लेकिन वो बंदा कितनी तेज़ी से जा रहा है कि हम उसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं गाइस, बहुत दूर चला गया है वो, और इतनी स्पीड में भाग रहा है कि हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, कहाँ गया वो। हाँ वो जा रहा है, तो कार शूट करता हूँ कि शायद मर जाए, तो लगता है अब तो हम इसको मारे, अब कहाँ भागेगा बेटा तू, देख तो मिशन हमारे पास है, मिशन पास हो गया तो रिस्पेक्ट प्लस रिस्पेक्ट, हमारा गैंग में रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। ये उस गैंग के आदमी हैं जो मुझको मारने के लिए आ रहे थे पीछे, लेकिन अब वो उनका आदमी मर गया तो ये भी सब कुछ भूल गए हैं। तो हम किसी की कार चुरा के हम जाएंगे स्मोक के पास, स्विट्स के पास जाएंगे। यहाँ किसी की कार चुरा लेता हूँ मैं पहले, कौन सी कार अच्छी है, वो पीछे का कार गायब हो गई थी, वो गाइस हो रही। तो गाइस हमने कार चुरा ली है, तो अब हम जा रहे हैं स्वीट्स के पास। ओ हमारी कार बहुत तेज़ी से जा रही है गाइस यार, ये स्लिप बहुत होती है ये कार, तो हम साइकिल पे आ गए हैं गाइस,
तो हम पहले स्वीट्स के घर जाएंगे, स्वीट्स हमको प्लान समझाएगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है गाइस। तो बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, तो ये मार्क में जाते हैं ड्राइव बाय, ये क्या बोल यहाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है गाइस मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन स्वीट्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इसका कुछ नाम तो है लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। तो चलिए, ये कुछ कह रहा है कार्ल्स को डिसरिस्पेक्ट हो उन्होंने, कार्ल कह रहा है मैं गोलियां चलूँगा, लेकिन ये काला कलवा कह रहा है कि वो गोलियां नहीं, तुम सिर्फ ड्राइव करो कार, गोलियां हम दोनों संभाल लेंगे, हम जा रहे हैं बोलस गैंग्स वालों से बदला लेने। तो चलिए कार में बैठते हैं, और ये हर बार की तरह ये वही घिसी पिटी कार ले आया है गाइस, जो चलती कम है और स्लिप ज़्यादा होती है, और हमको इसी कार से जाना होता है जब भी कोई मिशन करने जाना होता है। तो पता नहीं क्यों इसी कार से जाना होता है, लेकिन यही कार हमको बार बार मिलती, और ये कार की स्पीड तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या होता है ये स्लिप ज़्यादा होती है और अच्छी तरह से नहीं चलती। तो हमको यहाँ से राइट लेना है, पुल को ऊपर से जाना है, फिर हमारा टारगेट है वहीं पहुँच जाएंगे हम। तो हमको सिंपली बोलस गैंग वालों को मारना है गाइस जी, बोलस गैंग वालों को मारना है। तो इन्होंने वेपन तैयार कर लिए, और कह रहा है कार तुम सिर्फ ड्राइव करना और उन बंदों के ऊपर ही कार चढ़ा देना। तो हम भी वैसे करेंगे मीट, ये बोलस गैंग वाले खड़े हैं गाइस, आप देख सकते हैं ये भी पूरी पोजीशन में ही है। तो चलिए हम जाते हैं बोलस गैंग वालों की तरफ, तो हम मैं सीधा गाड़ी चढ़ा देते हैं एक दो ऊपर। तो एक तो मैंने एक्सीडेंट में मार दिया, इनके पास बस गन्स तो देखो कितनी तगड़ी है। तो आया एक और यहीं भी खड़े हैं उसके लोग, तो हमको यहाँ भी किसी पर गाड़ी चढ़ा देनी, लेकिन हमारे गाड़ी चढ़ाने से ये नहीं मरेंगे गाइस। तो इसके पैसे, तो चलिए गाइस एक और टारगेट है, हम वहाँ जाते हैं, वो सामने खड़े, ये तो बहुत ही आसानी से एक को मैंने मार दिया, और ये हमारे दोस्त भी बहुत अच्छी तरह से फायरिंग करे। एक भाग रहा है गाइस, तो तुझको भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ गैंग के मेंबर होंगे, हम उनको वो पुल के नीचे खड़े गाइस, मैं तो सीधा गाड़ी चढ़ा दूंगा उनके ऊपर। तो एक मर गया, एक को स्मोक मार रहा है, और स्वीट्स भी का गोली मार रहा है। तो हमारे पीछे 2 स्टार की पुलिस पड़ गई है गाइस, क्योंकि हमने बहुत सारे बंदूक आज मार दिया, तो पुलिस को आना ही। तो हमको क्या करना है, हमारी गाड़ी पे नया कलर करवाने लेना है, ताकि हमको हमारी गाड़ी को पुलिस वाले पहचाने नहीं, और हम हमारा पुलिस वालों से पीछा छूट जाए। तो चलिए पहले हम स्प्रेस की शॉप पे जाते हैं, कहाँ है वो शॉप, वो तो यहीं कहीं से जाना है, आगे से लेफ्ट रहना है। तो वो रही वो शॉप, तो हमको उसके अंदर का गाड़ी डाल देनी है, तो हम पीछे लेता हूँ फिर आगे। तो गाइस हम स्मोक शॉप का दरवाज़ा बंद हो गया है गाइस, तो कलर भी चेंज हो गया, तो देख सकते हैं आप यार, मैंने पीछवाड़ा इसका ठोक दिया, और पुलिस भी हमको अब नहीं पहचान सकती गाइस, क्योंकि हमने कार का पूरा कलर चेंज करवा लिया है, और हमको जाना है हमारे अड्डे पर, हमारा जहाँ घर है वहाँ जाना है। तो हमारा ये मिशन भी कंप्लीट हो गया गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे भी मैं ऐसा ही सैन एंड्रियास का गेम प्ले लेकर आऊँगा। अगर आपका 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 सपोर्ट रहा तो जल्दी मैं GTA की सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, वैसे अभी तो मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट से वो भी मुमकिन हो जाएगा गाइस। तो वो तो निकल गया, उसका तो क्या नाम है गाइस चश्मे वाले का पता नहीं। तो हमारा मिशन यहाँ से पास हो गया है, $500 भी हमको मिल गए हैं इस मिशन से, तो हम